तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ इंडिया में लॉन्च होने वाले सभी स्मार्टफोन्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर के मंथ में काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च होंगे और इनमें से कई स्मार्टफोन्स काफ़ी कमाल के ऑप्शन होंगे सभी कस्टमर्स के लिए। तो नेक्स्ट मंथ में आपको बजट और मिड रेंज सेगमेंट में कई 5G स्मार्टफोन्स के ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में सभी अपकमिंग स्मार्टफोन्स की डिटेल मिल जाएगी जो आपको नेक्स्ट मंथ इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो स्वागत है आपका KD सिरे टेक पे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही टेक वीडियोज देखते रहने के लिए। तो दोस्तों अगर आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली इन स्मार्टफोन्स का वेट करना चाहिए जो कि आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तो जल्दी से बात कर लेते हैं कि आपको किस कंपनी की ओर से कौन सा स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रियलमी की। तो रियलमी की ओर से आपको नेक्स्ट मंथ में रियलमी की X7 सीरीज में दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जो कि अभी BIS सर्टिफिकेशन साइट पर लिस्ट हुए हैं। तो अब ये इंडिया में जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं। इस सीरीज में आपको रियलमी X7 और X7 प्रो ये दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे और ये दोनों ही 5G स्मार्टफोन हैं और काफ़ी कमाल के स्पेक्स के साथ आते हैं, जहां इनमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले और डायमेंसिटी के प्रोसेसर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप एक मिड रेंज 5G स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। रियलमी के ये स्मार्टफोन्स आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएंगे। अब रियलमी के बाद बात करते हैं सैमसंग के स्मार्टफोन्स की। तो सैमसंग की ओर से ए सीरीज के दो स्मार्टफोन गैलेक्सी A12 और A02s ये दोनों ऑफिशियली कंफर्म हो चुके हैं और ये नेक्स्ट मंथ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं, जहां गैलेक्सी A12 के 4G और 5G दोनों वेरियंट होंगे और ये गैलेक्सी A42 5G के सिमिलर डिजाइन वाले क्वाड कैम सेटअप के साथ आएगा जिसमें 5000mAh की बैटरी और 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा गाइज M सीरीज का एक स्मार्टफोन गैलेक्सी M12 नेक्स्ट मंथ इंडिया में देखने को मिल सकता है जो कि 7000mAh की बैटरी के साथ आएगा। बाकी सैमसंग की ओर से गैलेक्सी A52 5G और गैलेक्सी A72 ये दोनों स्मार्टफोन वैसे तो नेक्स्ट ईयर जनवरी में लॉन्च होंगे लेकिन इनकी सभी डिटेल्स हमें दिसंबर के मंथ में ही देखने को मिल जाएगी। इनके बाद बात करेंगे मोटोरोला की। तो मोटोरोला की ओर से नेक्स्ट मंथ में आपको दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे जिनमें पहला स्मार्टफोन होगा Moto G 5G। यह एक मिड रेंज 5G स्मार्टफोन होगा जो कि स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर के साथ आएगा और बताया जा रहा है कि ये इंडियन मार्केट में सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन हो सकता है। इसके अलावा सेकंड स्मार्टफोन की बात करें तो Moto G9 Power ये स्मार्टफोन भी नेक्स्ट मंथ इंडिया में देखने को मिल सकता है। यह भी एक काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ आएगा जो कि बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन होगा। अब नेक्स्ट Redmi की बात करें तो Redmi के नोट सीरीज में तीन स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ इंडिया में देखने को मिल जाएंगे जिनमें एक 4G स्मार्टफोन होगा और दो 5G स्मार्टफोन होंगे। इनमें से एक 5G स्मार्टफोन Dimensity 1000 प्लस प्रोसेसर के साथ आएगा और एक इसका प्रो वेरिएंट स्नैपड्रैगन 750G के साथ आएगा जहाँ इनमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। तो Redmi के इन स्मार्टफोन्स का आप वेट कर सकते हैं। इसके अलावा Poco की ओर से भी एक बजट स्मार्टफोन Poco M3 नेक्स्ट मंथ इंडिया में देखने को मिल सकता है, तो इसका भी आप वेट कर सकते हैं। अब Vivo की बात करें तो Vivo की ओर से भी एक 5G स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ इंडिया में आने वाला है। पहले Vivo की ओर से V20 सीरीज में दो स्मार्टफोन Vivo V20 और V20 SE देख चुके हैं और अब इसका एक प्रो वेरिएंट स्नैपड्रैगन 765G के साथ आने वाला है और इसका नेक्स्ट मंथ इंडिया में लॉन्च देखने को मिल जाएगा। तो यह भी एक काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है जो कि काफ़ी स्लिम डिजाइन और अच्छे कैमरा फीचर्स के साथ आने वाला है। इसके बाद ओप्पो की ओर से ओप्पो के रेनो 5 सीरीज के तीन स्मार्टफोन दिसंबर के मंथ में इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो गाइज ये थे सभी अपकमिंग स्मार्टफोन्स जो आपको दिसंबर के मंथ में देखने को मिलेंगे। तो आप हमें बताइए कि आप इनमें से किस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं और उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको ऐसी टाइप वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।